Hello students, in previous classes we have discussed about the distance time graph. In under graphical representation of motion we had discussed about the distance time graph. Okay, और उसमें हम लोगों ने different type के graph represent किए थे, जिसमें हम लोगों ने linear, non-linear and parabola different type थे. ठीक है, आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं वो है velocity time graph. मीन्स इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो सेट दैट वीटी ग्राफ. वीटी ग्राफ मीन्स दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, तो जिस तरह से आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था, समझा था, सेम एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी है. इस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्राफ को, तो उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग ये होता है एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस इट इज गिवेन, ऑन द प्लेस ऑफ डिस्टेंस इट इज गिवेन वेलोसिटी. Velocity and on x-axis it is given time as displacement time graph. जिस तरह से displacement time graph में यहाँ पर distance time graph में यहाँ पर distance दिया होता था y-axis के along और x-axis के along क्या दिया होता था, time, such as in this velocity time graph velocity is given considered as y axis and on x axis it is given time. Okay, अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक साइक्लिस्ट है जो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई एक साइक्लिस्ट है जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो ये A है, B, सी, डी, सच एच, ई एंड एफ, जो भी है एफ. ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है, टाइम इज गिवन टाइम अगर दिया हुआ है, ए पर है जीरो सेकंड मीन्स रेस्ट पोजीशन पर है जीरो सेकंड, देन टेन सेकंड रीच टू बी, ऑन सी 20 सेकेंड, डी 30 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड सच एज 50 सेकेंड एंड 60 सेकेंड एज जी. ओके, एंड इट्स वेलोसिटी ऑन द प्लेस ऑफ डिस्टेंस इट विल बी गिवेन टू यू वेलोसिटी. Velocity on 0 meter per second, 15 meter per second, 30 meter per second, 45 meter per second, 60 meter per second, 70 meter per second and 90 meter per second. ठीक है, इस तरह से अगर कोई हमारे पास डेटा दिया हुआ होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेते हैं. व्हाट वी हैव टू राइट एज इन द फॉर्म ऑफ टेबल, लाइक वी राइट हियर टाइम एंड हियर वेलोसिटी. ओके, और इसे टेबल बना लेंगे, जीरो देन जीरो इट इज 10, देन 15 मीटर पर सेकेंड, ये किस में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, ये किस में दिया हुआ है, सेकेंड में. ओके, 20, 30, देन 30, 45, 40, 60, 50,
it will be 70, and 60 it will be 90. ये हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे आप लोग ध्यान दोगे। आफ्टर दैट वी हैव टू प्लॉट ऑल दिस डेटा इनटू द ऑन द ग्राफ। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, मैथ्स में भी पढ़े होंगे। ये है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऑन दिस वाई एक्सिस वी राइट हियर वेलोसिटी, एंड ऑन एक्स एक्सिस वी राइट हियर टाइम। टाइम शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ 10, मीन्स इट विल बी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। ये हो गया अपना क्या टाइम। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, 15 के मल्टीपल में, तो हम यहां 15 के मल्टीपल में लिखेंगे 15, 30, 45, 60, 75, and then 90, okay। Now we have to plot the graph। 10 जीरो पर था तब तो जीरो था, 10 एंड 15 वी यूज डिफरेंट कलर हियर, 10 देन 15। इनका जो बनेगा जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दैट पॉइंट विल बी 10 15। सेम एज 30 20, ये जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ये बनेगा अपना 30 20। सेम एज 40 20, 40 30 ये बना 40 30। सच एज 30 40, सॉरी 40 60, 70 50, देन 90 एंड 60। We look here that we found a straight line। यहां हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। यहां क्या मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन। और ये जो वेलोसिटी होगी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। जब भी हमें इस टाइप के का ग्राफ मिलेगा, वीटी ग्राफ, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है इट मीन्स कि इट इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिस ऑन द इक्वल टाइम इट एक्सेलरेट कंटिन्यूअसली, इज दैट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द यूज ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज क्या है, ओके। तो इस केस में क्या होता है कि इफ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट नंबर ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड ऑन दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, वेयर एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस अबाउट द gives the information about the speed। velocity time graph क्या देता है, acceleration के बारे में हमें knowledge देता है, जबकि distance time graph हमें क्या देता है, speed के बारे में knowledge देता है, ठीक है। तो अगर हमें इसमें acceleration पता करना है a और b का, तो इस केस में क्या करेंगे कि on this point we draw a straight line along a and b,
on meeting point, it will be C. The slope of AB, gives the acceleration, means first point अपना क्या बनता है कि the slope of any point, any two points gives acceleration. अब क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू फाइंड द स्लोप. सेम एज स्लोप इन दिस ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल हियर. यहां हमें क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल. तो ए बी का अगर स्लोप पता करना है तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी. ओके, अब देखो यहां बी सी कितना है. बी सी मीन्स 30 एंड इट इज 60. बी सी क्या हुआ, 60 माइनस 30 अपॉन ए सी दैट इज 40 माइनस 20. 40 माइनस 20. व्हाट वी गेट हियर, 60 माइनस 30 इज 30 एंड इट विल बी 20. 0, 0 विल बी कैंसिल. 3 अपॉन 2 इट मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द स्लोप ऑफ ए बी. इट मीन्स द एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी पोजिशन विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर. तो ये हुआ अपना फर्स्ट पॉइंट. यहां एक बात और क्लियर होती है और वो बात ये है कि इफ द स्लोप फाउंड between any two points is straight line, then the slope that is acceleration is constant. अगर ये स्लोप हमें मिल रहा है स्ट्रेट लाइन पर, स्लोप मिल रहा है और ये स्लोप जितना आ रहा है वो बताता है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी मूव कर रही है वो एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. मींस ए से बी तक पहुंचने में या बी से आगे बढ़ रहे हो तो यहां भी ये मूव किया किससे कर रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. इज दैट कंडीशन नंबर सेकेंड, केस सेकंड. ये कौन सा केस हुआ, केस फर्स्ट. ठीक है, केस सेकंड, व्हेन एनी बॉडी मूव्स on non-linear path, and या और लिखो, और velocity
टाइम ग्राफ ग्राफ इज नॉन लीनियर देन we can determine the average acceleration okay of the motion. अगर कोई बॉडी नॉन लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर मूव कर रही है. नॉन लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ग्राफ इस टाइप का अवेलेबल हो, ये हो गया वेलोसिटी, एंड दिस विल बी टाइम. अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ठीक है, कुछ इस तरह से हो, तो इस केस में अगर हमें फाइंड करना है कि इसके बीच में कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम यहां पर क्या डिसाइड कर सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बता सकते हैं. क्या बता सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन. कैसे बताएंगे, सेम एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने यहां पर देखा था कि यहां से एक डॉटेड लाइन आप खींचते हो, दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालते हो किस पर, एक्स एक्सिस पर, पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये कौन सा है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस, इज दैट. तो ये जो स्लोप होगा ए बी का जो स्लोप होगा, दिस डॉटेड लाइन स्लोप ऑफ ए बी इंडिकेट्स द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन. मीन्स अगर हमें यहां पर पता करना होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन दिख रहा है ना, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू ए बी अपॉन, और ये कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी. ए बी अपॉन क्या आएगा, ए सी. और इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं. क्लियर है. वन मोर थिंग, एरिया कवर्ड बाय द वीटी ग्राफ मीन्स we can find the displacement also. We can find displacement by the area covered by the body. किसी बॉडी के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाएगा उसको हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं. मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू, किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होगा, एरिया कवर्ड ड्यूरिंग द ऑन द ग्राफ. मीन्स एरिया कवर्ड, जैसे देखो फर्स्ट वाले केस में, इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में टोटल एरिया कवर्ड कितना है, 90 से शुरू हो रहा है. यहां से अगर हम एक डॉटेड लाइन डालें, दिस वन एंड दिस वन, मीन्स 90 एंड 60, ठीक है, ये टोटल एरिया कवर कर रहा है. यही तो हुआ, यहां से बॉडी शुरू हुआ और यहां तक पहुंच रहा है. अगर हम इसको इसी पर समझते हैं, इसी पेज पर समझते हैं, तो इस केस में देखो कि अपने पास कोई एक इस तरह का अगर ग्राफ है, अगर ये ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, इट इंडिकेट्स वेलोसिटी
and it indicates time. On reaching 90 meter, it takes 60 सेकेंड. ठीक है, तो जो एरिया कवर हो रहा है इसके द्वारा, जो एरिया इसने कवर किया, इसके बीच में भी तो ये कवर किया है कुछ न कुछ डिस्टेंस. यहाँ ए था, कुछ पॉइंट्स थे जिस पर इसने कवर किया. ठीक है, तो एरिया कवर्ड बाय दिस बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर एरिया कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होगा, हाइट. ठीक है, एच ई आई जी एस टी, हाइट. तो इस केस में एरिया कवर्ड क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इज 0 to 60 एंड हाइट इज 0 to 90. इट इज 30 मीन्स 2700 मीटर स्क्वायर. ओके, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ना मीटर में, तो ये क्या 2700 मीटर क्या आया, डिस्प्लेसमेंट. मीन्स जो ग्राफ होता है उस ग्राफ से हम कई चीजें पता कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिसाइड दैट दिस इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉट, फॉर केस नंबर फर्स्ट. केस नंबर सेकेंड टेल्स अस दैट इट गिव्स द एवरेज एक्सेलरेशन. इट गिव्स द नॉलेज अबाउट द एवरेज एक्सेलरेशन जब नॉन लिनियर ग्राफ हो. और थर्ड पॉइंट ये बताता है कि हम इसके द्वारा क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, और डिफरेंट टाइप के भी इसमें ग्राफ्स होते हैं एंड ऑल दोज ग्राफ्स यू हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास, इन अप्रोक्स 11th क्लास. ठीक है, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ शोज डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर ऑफ द मोशन. लाइक अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो नेचर ऑफ द मोशन कैसा होगा किस ग्राफ के केस में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. नेचर ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, किस मोशन का कौन सा नेचर होगा, किस ग्राफ से आप डिसाइड करोगे. तो देखो, अगर कोई ग्राफ आपको इस टाइप का मिल रहा है, ये मिल रहा है जिसमें ये वेलोसिटी है एंड दिस इज टाइम. अगर आपको यहां मिल रहा है कोई इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, मींस बॉडी मूव्स ऑन दिस पोजीशन, तो ये कौन सा पोजीशन कहा जाएगा, रेस्ट पोजीशन. बॉडी किस में है, रेस्ट इन मोशन. ठीक है, अगर यही ग्राफ आपको मिल रहा है, ये हुआ ए, ये आपको आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा. इसे आप ध्यान से देखोगे कि किस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, तो वो उसका नेचर क्या होगा, उस मोशन का नेचर क्या होगा. अगर इसमें आपको यूनिफॉर्म, अगर ये अकॉर्डिंग टू पैरेलल टाइम कंटिन्यूअसली बॉडी मूव कर रही है सेम स्पीड से, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हुआ वेलोसिटी और ये हुआ टाइम. तो यहां आप देख रहे हो टाइम चाहे जितना भी लग रहा है, इसमें जो भी टाइम मूव कर रहा है, इसमें बॉडी अपने एक फिक्स स्पीड से बढ़ रही है. तो इस केस को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. मींस अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो उसमें मोशन इस तरह से होगा. इस तरह का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि दैट बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इज दैट थर्ड पॉइंट, थर्ड दैट इज सी. अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपका ये आ रहा है, तो ये क्या बताएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या बताएगा, यूनिफॉर्म
acceleration by एक acceleration uniformly हो रहा है. uniformly का मतलब है equal time में equal acceleration हो रहा है. acceleration continuously बढ़ता जा रहा है. ठीक दिख रहा है ना. अगर हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का मिल जाए, ये चार टाइप के आपको ग्राफ मिल सकते हैं. अगर ये ग्राफ इस तरह से है, इसमें आप देख रहे हो कि एक जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसकी स्पीड क्या हो रही है, नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है. मतलब क्या हुआ कि इस तरह का अगर ग्राफ आपको मिल रहा है, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अगर इस टाइप का ग्राफ आपको मिल रहा है तो ये किसको डिनोट करता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, या इसी को आप कहते हो निगेटिव निगेटिव एक्सेलरेशन. निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ जो नीचे की तरफ आ रहा है, निगेटिव की तरफ जा रहा है. यहां आप देख रहे हो, अगर मान लो ये 40 है, ये 40 है और यहाँ क्या है 10, 20, 30. तो इस केस में अगर हम 10 को ट्राई करें तो 10 सेकेंड में ये कहाँ पर था, 40 से नीचे था. फिर 20 से अगले 20 सेकेंड में ये कहाँ आ रहा है, 30, 20 की तरफ आ रहा है. तो ये जो धीरे धीरे ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज कर रहा है, मतलब साफ है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ना होकर के क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन. डिसेलरेशन का मतलब हुआ कि जो बॉडी है वो नीचे की तरफ मूव करती है, मतलब अपनी स्पीड वो क्या कर रही है, धीरे धीरे एक कंटिन्यूअसली एक फिक्स स्पीड से डिसेलरेट कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है. मीन्स उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है. इज दैट क्लियर. तो ये अपने पास जो ये पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू इन क्लास 9th अलोंग विथ 11th ऑल्सो. क्लास 9th इज डायरेक्टली अटैच टू क्लास 11th, सो यू हैव टू मोस्ट फोकस ऑन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स. दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स ऑल्सो यू विल फाइंड इन केमिस्ट्री इन क्लास 11th. So you have to most focus on these. Okay? Thank you. See you in next video.